हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक विच इज़ नॉट फ्रॉम योर बुक, दैट इज़ फ्रॉम अनदर बुक। वी विल डिस्कस द टॉपिक इंडस्ट्रीज। ओके, आज हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। वैसे भी पहले भी आप लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हम लोगों ने जीके में भी किया था कितने तरह की इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो आज हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके इस कोर्स बुक का ही है, लेकिन हम जस्ट उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ पहले होता क्या है? इंडस्ट्रीज़ होता है ये है कि जब रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है और उसको फिनिश गुड्स में बदला जाता है, उसी को हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, द रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज डायरेक्टली कैन वी यूज वीट, कॉटन, टीट, लीव्स, लॉग ऑफ वुड्स एंड आयरन ओर डायरेक्टली? नो, वी कैन नॉट। दिस इज़ बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में और उसको यूज़ करके उसको फिनिश गुड्स में बदला जाता है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ इंडस्ट्रीज़। ओके, अब जैसे वीट बनाना, ब्रेड बनाना है तो हमें वीट चाहिए होगा, हाँ, उसके बाद उससे हमको ब्रेड मिलेगा। और टी लीव्स है तो टी लीव्स से उसको टी में बदलना है। फर्नीचर है, वुड ऑफ लॉक्स है, उसको फर्नीचर में बदलना होगा। तो इस तरीके से आयरन ओर है, उसे यूटेंसिल्स में बदलना होगा। तो ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल्स है जो कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट की जाती हैं, उसको रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट की जाती है फिनिश गुड्स में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल्स, मशीन, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या टाइप्स हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेट ऑफ पीपल इन देयर ओन होम्स। फ्यू पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नियर बाय। मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो छोटे छोटे घरों में बनाई जाती है। छोटे छोटे जैसे माचिस बनाना, कैंडल बनाना, चौक बनाना, इस तरह की छोटे छोटे चीज़ों से इस्तेमाल करके कुछ नया चीज़ बनाना। तो ये सॉफ्ट टॉयज़ बनाना, बास्केट बनाना, लेदर के गुड्स बनाना, लेदर बैग बनाना, तो इस तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, ऐसे सॉरी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ, क्यों फ्यू वर्कर्स एम्प्लॉय की जाते हैं? तो छोटे छोटे बर्तन बनाना, होजरी के कुछ कपड़े बनाना, इलेक्ट्रिक्स के कुछ सामान बनाना, प्लास्टिक के कुछ गुड्स बनाना, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब आइए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और उस मशीन को यूज़ करके, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, मील्स हो गया, आयरन एंड स्टील प्लांट हो गया, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ा सामान मिलता है, जहाँ कई लोग मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत बड़े अमाउंट में होता है और उसमें बहुत सारे वर्कर्स भी लगते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, मशीन का यूज़ करना जानते हैं और मशीन का यूज़ करने के बाद उसी मशीन से गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द सो दिस इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। हम लोग सिर्फ अभी हम लोग ये चैप्टर हमारे बुक में है, चैप्टर नंबर 15 पे दिया हुआ है। जस्ट हम लोग एक समरी जैसा आप जान लो कि इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको होता क्या है। ठीक है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें वर्कर्स नीडेड होते हैं, उसमें प्रॉपर टाइमिंग होती हैं, उसका प्रोडक्शन की क्वांटिटी फिक्स होती है कि इतनी क्वांटिटी उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए तभी कुछ यूज़फुल होगा।
तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना है। इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, जब कच्चा माल को लाया जाता है और उसको फिनिश गुड्स में बदला जाता है तो ये होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ तीन तरह की होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में कुछ लोग होते हैं घर पे कर लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को ला करके, छोटे छोटे कपड़ों की सिलाई करना है या फिर वो गेहूं को पीसना है या सॉफ्ट टॉयज बनाना है, बास्केट बनाना है, लेदर के गुड्स बनाना, तो ये सब छोटे छोटे स्किल्स जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हो जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होंगे जैसे माचिस बनाना, इस तरह से, ठीक है, अगरबत्ती बनाना, चौक बनाना, कैंडल्स बनाना, ये सब इसमें आ जाता है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े सामान होते हैं, उसमें ढेर सारा रॉ मटेरियल्स होता है, वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है और उस तरह से उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये सब अपने कंसेप्ट में आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या है और इंडस्ट्रीज़ के क्या फ़ायदे हैं, इंडस्ट्रीज़ कितने तरह की होती है, ये सब आप जानेंगे। ओके, थैंक यू।